अपडेट है रिजर्व पार्किंग। अब ये रिजर्व पार्किंग की क्या कहानी है भाई, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये रिजर्व पार्किंग की एक नई शुरुआत हुई है। लास्ट टाइम तक तो मैंने नहीं देखा था कि रिजर्व पार्किंग का ऐसी कुछ कहानी थी। अभी रिजर्व पार्किंग हुई, रिजर्व पार्किंग पारस सिटी की जो एक कॉलोनी कट रही है, कॉलोनी स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ पर रिजर्व पार्किंग की कहानी स्टार्ट होगी। अब रिजर्व पार्किंग यहाँ हुआ करेंगी इस कमे की, इस साल से तो यही होगी, और कुछ पार्किंग यहाँ पर होगी, जिसकी देखें आप बैरिकेड जो है यहाँ जालियाँ लगा दूँ। और अगर आप देख सकते हैं तो चाय का भी, चाय बॉटल के भी बैनर लगे हैं बिकने के लिए, यहाँ पर पार्किंग होना है ना भाई। पार्किंग B33 जो है वो यहाँ होगी। यहाँ देखें आप, ये बैरिकेड लग गए हैं, यहाँ पर बॉर्डर भेज दी गई है। ये पार्किंग 12A जो है वो यहाँ पर होगी। तो आलमी तबलीग इज्तिमा जो है वो 8, 9, 10, 11 दिसंबर 2023 को भोपाल में होना है। उसी की तैयारियाँ लगभग कंप्लीट हैं, कल से ये इज्तिमा स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इज्तिमे में आ रहे हैं, आप बाहर से आ रहे हैं, तो पार्किंग का पहले आप ध्यान रखें कि आपको गाड़ी कहाँ पार्क करना है। आज मैं आपको पूरा व्यू दिखा दूँगा कहाँ कहाँ पार्क होना है गाड़ियाँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, एक चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखें आप, कि आप अगर ये सोच के आ रहे हैं कि यहाँ पर आप पेमेंट करेंगे UPI से या इंटरनेट, आप फ़ोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे और अपलोड कर देंगे, तो आपका यहाँ पर वाईफाई या जो भी इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है बिल्कुल नहीं आती है यहाँ पर। तो जो भी आपको पेमेंट करना हो वो कैश करें, फोटोग्राफी बिल्कुल मना है, वीडियोग्राफी बिल्कुल मना है अंदर। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। चलिए मैं आगे का आपको व्यूज़ दिखा देता हूँ, जितना जो कुछ अंदर का मना किया हुआ है, तो बाहर का जितना मुझे दिखाते बनेगा मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो चलिए हम वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सीन में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों ये इस्तकबाल 3 का ये है जहाँ हम लास्ट में खड़े हैं। यहाँ फूड जोन बना दिए गए हैं, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें इस तरह से बना दी गई हैं। ये पूरा पार्किंग और ये ऐसा है, ये यहाँ खाने पीने का पूरा इंतज़ाम आपको ऐसे रहेंगे, पूरे खाने पीने के इंतज़ाम आपके ऐसे हैं। ये पूरी पैक हो गई है मस्जिद, ताकि यहाँ पर लोग गाड़ी पार्क ना करें। और यहाँ से हम देखते हैं आगे का क्या है। तो यहाँ का पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का ये बन चुका है, ये रास्ता बंद कर दिए गए हैं। बाबा खुदा दे स्टार्टर बाय। जमातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, नमाज़ें हो रही हैं, इनकी जमात छूट गई थी इसलिए अलग नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाबा खुदा दे स्टार्टर बाय। भाई ये पूरा इस तरह से हो गया है, और यहाँ थोड़ा जाम भी लग रहा है, इस तरह से पूरा जाम है।